Adhyaya 11, Shloka Sankhya 45. Theek hai? Right, 11:45. Adrishta Purvam Rishitosmi Drishtva Bhayen Hacha Pravyatitam Manomhe Tadeva Me Darshaya Deva Rupam Prasida Devesha Jagannivasa. Padapataha Adrishta Purvam. Pehle kabhi na dekha gaya. Hrishitaha. Hrishitaha. Harshit. Asmi. Hum. Drishtva. Dekhkar. Bhayena. Bhaya ke karan. Cha bhi pravyatitam vichalit bhayabhit manaha man me mera tat vaha eva nischahi me mujko darshaya diklaye deva. He Prabhu, Rupam, Rup, Prasida, Prasanna Hoye, Deva Isha, Ishon ke Ish, Jagat Nivasa, He Jagat ke Ashray. Anuvad or Tatparya Srila Prabhupada ke Dwara. पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश हे जगन्निवास अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाइए. तात्पर्य अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वहाँ उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वहाँ अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है. अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है और वही ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं किंतु साथ ही वहाँ इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं. इस प्रकार भयावश उनका मन विचलित है यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है. अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वह अपना नारायण रूप दिखाई है क्योंकि वह कोई भी रूप धारण कर सकते हैं. यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है. वैकुंठ लोक में असंख्य लोक है और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है. इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था. निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख गदा कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं. विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं. ये सारे रूप कृष्ण के ही है इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन
karna chahta hai. Hare Krishna. Pahle baat hai, Bhagavan kaun dekh sakte? Pahle baat hai. Uttam uttam bhakta Bhagavan ka darshan kar sakte hai. Samanya bhakta hum nahi dekh rahe hai. Bhagavan ke murti dekh rahe hai. Bharat mein Bhagavan ke murti anek mandir mein dekhna upalabdha hai. और ये भी पद्धति है जो भौतिक संसार में है जो बद्ध जीव है जो तीनों गुणों से प्रभावित है क्योंकि गीता के अन्य स्थान में गुणातीत बनने का उपदेश है माम चायो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य Ethan gunan samatitya ethan mamcha yo vyavicharena bhakti yogena sevate sagunan samatitya ethan brahmabhuyaya kalpate ethan gunan in tino gunon se atit par upar pahunchna hai jaise viman yatra dhire dhire upar jate hai viman और धीरे-धीरे सब भवन सब पेड़ छोटा-छोटा बन जाते हैं और उसके ऊपर पहुंच जाते हैं आकाश में यंत्र के रूप में ये गुण सब सूक्ष्म है हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं ये माला थैली पकड़ पाते हैं लेकिन रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण हम पकड़ नहीं पाते हैं तो जो इन तीनों गुणों से प्रभावित है भगवान ईश्वर देख नहीं सकते तो हम सब प्रभावित हैं शरीर प्राप्त किया देहधारी जीव देहधारी जीव सूक्ष्म रूप में और स्थूल रूप में प्रभावित है भौतिक गुणों के द्वारा सूक्ष्म ये तीन गुण सूक्ष्म है स्थूल भी है जैसे हम समझते हैं मांसाहार तामसिक है तो ये एक दृष्टांत है स्थूल रूप में कैसे ये तीन गुण विद्यमान है भोजन तो सभी प्राणी करना है सभी प्राणी अलग अलग जीवो जीवस्य जीवनम ये भी एक वाक्य है पुराणों में भागवत में है कि कहाँ है मेरा याद नहीं भागवत में है एक प्राणी का भोजन दूसरे प्राणी इसमें दो विचार है एक है सात्विक भोजन और एक है अहिंसावाद अगर अहिंसा के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं तो फिर पाप नहीं लगेगा पाप और पुण्य का विचार गीता में अनेक बार कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते रहते हैं त्रयी माम सोम पाप पूत पापा पाप शब्द का प्रयोग करते हैं पाप का विनाश होते हैं वैदिक यज्ञ का विधान पालन करने से और यज्ञ का विधान पालन करने से इंद्र स्वर्ग प्राप्ति के लिए योग्य बन जाते हैं क्या क्या जाते हैं इंद्र स्वर्ग ये देह नहीं जाते हैं आत्मा जो शरीर के अंदर है वो चले जाते हैं देह त्यागने पर इसलिए अनेक लोगों के पूर्वजों के चित्र के नीचे स्वर्गीय लिखते हैं कि उन्होंने देह छोड़ के गया वहां इंद्रलोक भोगने के लिए
इंद्रलोक भौतिक संसार में है और वहां पहुंचने का प्रयोजन है भौतिक भोग, और जब भौतिक भोग वहां समाप्त होते हैं, जब पुण्य खत्म हो जाते हैं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, लौट आते हैं। सब ये उपदेश सुन लिया अर्जुन, फिर विराट रूप दिखलाया। विराट रूप देखने से विचलित हो गया अर्जुन। भगवान का शक्ति का दर्शन, साक्षात दर्शन किया। भगवान का शक्ति, असीम शक्ति कैसे है हम समझ सकते? भले हम अर्जुन जैसे भगवान के अत्यंत प्रिय और निकट भगत है, लेकिन हम समझ सकते भगवान का प्रभाव से सभी सृष्टि हो चुके हैं, भगवान ने बनाया। जीवन अद्भुत है। अभी यंत्र का काल चलते हैं, यंत्र विद्या समाज में मुख्य है, और यंत्र का निर्माण, यंत्र में हम घूमते हैं। महानगर जो पिछले कल सुबह उसका विचार किया, यहाँ पूरा भौतिक संसार एक यंत्र है, भगवान बोलते हैं। यंत्रारूढानी मायाया सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्थ स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, नो दूसरा श्लोक है। यंत्रारूढानी मायाया क्या है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मायन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायाया। धन्यवाद। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मायन, कोई कहा मेरे को आप सर्वदा भ्रमण कर रहे हैं? गृहस्थ धर्म नहीं है, गृहस्थ आश्रम लेकर भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्मायन सर्वभूतानि, सभी प्राणी घूम रहे हैं एक देह से दूसरे देह। छोटा बच्चा है यहाँ, कहाँ से आया आत्मा? और हम सब कहाँ से आया? खस्त्वम कुतः आयात, जैसे प्रश्न है उपनिषदों में। अर्जुन भी गीता में यही प्रश्न सब किया। पाप क्यों करना है? हमारे गुरुजन का हत्या करने से पाप लगेगा। पाप क्यों करते हैं? हमको भोगना है इसलिए पाप करते हैं। अंत में जीव संघर्ष कर रहे हैं भोगने के लिए। जब जीव समझते हैं कि उसका धर्म ईश्वर का सेवा, अच्छा श्री श्री जगन्नाथ जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र सुदर्शन चक्र की जय, लक्ष्मी नृसिंह देव जय, राधा कृष्ण चंद्र की जय, गौर निताई की जय। कहाँ से आया हम? अदृष्ट पूर्वम। तो सारे सैकड़ों सैकड़ों जीव प्रवेश करते हैं भौतिक संसार में और ईश्वर भूल जाते हैं।
भौतिक संसार का प्रवेश का अर्थ है ईश्वर भूल गया और जब ईश्वर भूल जाते हैं तो मूढ़ योनि में प्रवेश होते हैं मूर्ख बन जाते हैं पशु पक्षी इत्यादि जलचर कीट सर्प पशु पशु तो बोल दिया ये सभी जीवनों में ईश्वर का विचार नहीं कर सकते भक्ति नहीं कर सकते केवल आहार निद्र भय मैथुनम च और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलते रहते हैं चलते रहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित है कौन है भाग्यवान जीव बहुत भ्रमण करके करके मानव जीवन में मानव शरीर प्राप्त होते हैं जब मानव शरीर 4 लाख प्रकार के हैं जो कुछ पुण्य किए भारत में जन्म प्राप्त होते हैं हम लोग भारत में जन्म प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिला लेकिन मानव जन्म तो मिला ये निश्चित है सभी जीव का उद्धार करने के लिए भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सुजाम्यहम मैं आ जाता हूँ धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे तो ये उपदेश इसीलिए है जागरण सामान्य मानव जीवन जो प्राप्त किया जीव अनेक जीवन ये संसार चक्र में एक से एक शरीर प्राप्त करके करके आया मानव जन्म प्राप्त किया जिसमें भगवान ने बुद्धि प्रदान किया और वो बुद्धि है हम सोच सकते हम कहाँ से आया हम कहाँ जाने वाले हैं और जीवन किसके लिए है उसके पहले ये सोच विचार नहीं था अच्छा ये वैदिक ज्ञान गीता का उपदेश महाभारत का अंग है और हम समझते हैं ये वैदिक ज्ञान का एक अंग है तो वैदिक ज्ञान का संस्कार जो प्राप्त करते हैं अर्जुन जैसे बन सकते हैं तभी भी अर्जुन का विमोह व्यामोह था भले अच्छा संस्कार मिलते हैं भौतिक जीवन से व्याकुल पीड़ित दुखद अनुभव सब कर रहे हैं सभी प्राणी कहने का व्याख्या क्या है इसमें व्याख्या है कि हम ऐसे स्थान में आया रहने के लिए जो हमारा स्वाभाविक परिस्थिति नहीं है हमारा स्वाभाविक परिस्थिति भगवान के परम धाम में इस भौतिक संसार में नहीं है रह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बीच में दुख और दोष यही है जन्म मृत्यु जरा व्याधि भले कोई भी हो ये 4 चीज से बच नहीं सकते कोई भी हो धनी हो शक्तिशाली हो शिक्षित हो
आधुनिक शैक्षणिक हो या वैदिक शैक्षणिक पद्धति, वृद्धावस्था में रहना है निश्चय, आगे तब तक जीते रहेंगे कोई जल्दी देह त्यागते हैं, कोई युद्ध भूमि में देह त्यागते हैं, जीवन का लक्ष्य पुण्य का अर्जन करो ताकि भगवान का दर्शन। हम समझते हैं कि अर्जुन पाप से विमुक्त था, शुद्ध सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम भागवत में है, शुद्ध अवस्था बहुत दुर्लभ है। सामान्य मानव ये सब भौतिक कलमश, ये सब भौतिक मल, भौतिक मल क्या है, काम क्रोध लोभ पापाचार, अगर हम भगवान का दिया गया नियम का पालन नहीं करते हैं, अगर हमारा संघर्ष है केवल भौतिक भोगों के लिए, काम क्रोध और लोभ ये नरक के तीन द्वार भगवान अर्जुन को कहा, तो फिर मानव जन्म का वास्तविक सदुपयोग, हमारा वास्तविक प्रवृत्ति कार्य जो हमको करना है और वो है भगवान का भक्ति, उस अनेक प्रकार के प्रदूषण के अनुसार हम नहीं कर रहे हैं। और फिर ये भौतिक बंधन और दृढ़ हो जाते हैं, अनेक अनेक जन्म नहीं, क्षिप्रामि अजस्रम अशुभान असुरी श्वेव योनिषु, एक और उसके जैसे थान अहम द्विशत क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिप्रामि अजस्रम अशुभान, मैं उन पापियों को बारंबार असुर योनि में जन्म असुर योनि में फेंकते रहता हूँ, क्षिप्रामि उसके हाजू बाजू एक और है, एक और व्याख्या है कि ये मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, कौन सा श्लोक है, जो पाप करते हैं उनको बारंबार मूढ़ योनि में जन्म लेना पड़ते हैं, आसुरिम योनि मापन मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम अप्राप्य एव खोमते हैं तथो यान्ति अदमाम गतिम, तो जो पाप करते हैं आसुरिम योनि मापन्ना मूढ़ा, जो असुर की तरह व्यवहार करते हैं, जो भगवान के भक्ति कभी नहीं करते हैं, जो जानते नहीं कि मानव जीवन भगवान का भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त होते हैं, जिनका इस प्रकार का विचार नहीं है, आसुरिम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम अप्राप्यैव कौन्तेय, मेरा प्राप्ति नहीं होते, ततो यान्ति अधमाम गतिम, और उनका गति निम्न के निम्न परिस्थिति। ये बहुत दुखमय उपदेश है कृष्ण का अर्जुन को, इसलिए ही मानव जन्म का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना, भगवान के भक्ति ही करना चाहिए। भगवान का भक्ति क्या है, भगवान का नारायण स्वरूप यहाँ इस श्लोक में
इस श्लोकों का तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज बोलते हैं भगवान के चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप भगवान का सनातन स्वरूप सत्स्वरूप और यही विराट स्वरूप भौतिक संसार में है, ये क्षणिक स्वरूप है, ये सनातन स्वरूप नहीं है। प्रभुपाद जी और हमारे पूर्वाचार्यों उन्हीं का तात्पर्य पूर्वाचार्यों के अनुसार ये विश्व रूप दर्शन का अध्याय है, एकादश अध्याय विराट रूप विश्व रूप योगो नाम एकादश अध्याय। लेकिन हमारा आचार्यों का समझना यही है कि ये विराट स्वरूप जो है भगवान का मूल स्वरूप नहीं है, उसका एक स्वरूप है भौतिक संसार में और भगवान के नित्य रूप है जहाँ मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात भगवान के लोक में रह सकते सालोक्य सारूप्य भगवान की तरह रूप प्राप्त होते हैं वैकुंठ लोक। इसलिए यहाँ तात्पर्य में वैकुंठ लोकों का वर्णन आरंभ किया। अनेक वैकुंठ है, रामलीला कृष्ण लीला लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के लीला, यहाँ बाजू में वराहा लक्ष्मी वराहा का स्वरूप है, अनंत कोटि स्वरूप है भगवान का, अनंत कोटि जीव यह भौतिक संसार में संघर्ष कर रहे हैं भगवान से अलग भोगने के लिए और भगवान के नित्य धाम में भगवान के साथ उन्हीं का सेवा करने से अलौकिक दिव्य आनंद। न तद भाषायते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परब्रह्म। गीता का उपदेश ऐसे है कि हमको वही जाना चाहिए भगवान के परम धाम। कैसे जाएगा? भगवान पर ध्यान करना है, कीर्तन सेवा नवधा भक्ति जाना संभव है। प्रभुपाद जी महाराज बोलते रहते थे कि हमारे बड़ी आशा है कि इसी जीवन में उस प्रकार के मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिस प्रकार से हम त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति, देह छोड़ने पर ये जन्म और ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम बंद हो जाएगा। वैष्णव सिद्धांत है, इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं हम भगवान का स्मरण करने के लिए। गीता का उपदेश भगवान का उपदेश है, गीता का स्मरण करते हैं अंत में ही कृष्ण भगवान, यही एक श्लोक है जो मैंने याद नहीं किया। लेकिन महत्वपूर्ण श्लोक है, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादवावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहं इष्टस्याम इति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरा पूजा करते हैं। तो इसलिए गीता का पाठ निरंतर करना है, गीता का उपदेश का स्मरण निरंतर करना है, भले एक श्लोक रोज हम लेते हैं। अलग अलग पद्धति है, कोई लोग एक अध्याय रोज पाठ करते हैं और जो गीता कंठस्थ करते हैं तो हमेशा उन सभी उपदेश उनके मन में रहेगा। ये सब गीता का उपदेश
एक से एक मन में आ जाएगा. फिर मृत्यु के काल में अंतकाले चमामे बस मरण मुक्तवा कलेवर हम, क्योंकि उन्होंने 750 श्लोकों को उपदेश कंठस्थ किया, तो क्यों नहीं स्मरण कर उन श्लोकों का स्मरण क्यों नहीं होगा मृत्यु के काल में? जरूर होगा, लेकिन अभ्यास ऐसे होना चाहिए. अभी बहुत सारे अभ्यास लोग कर रहे हैं रुपया मिलने के लिए. क्रैम अप पाठ करो, कठोर पाठ, कितना क्या बोलते हैं अभ्यास केंद्र, स्टडी सेंटर्स कितना खुलते हैं, कितना रुपया फेंकते हैं, और गीता को कंठस्थ नहीं करना. दुख की बात है, कटु सत्यम. हमारा विश्वास है कि ये सत्य है और वास्तव में भगवान ने ये उपदेश दिया. प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास, इस श्लोक में अर्जुन हे प्रभु देव देवताओं का ईश, देवताओं का मुख्य देव, देवेश प्रसिद्ध, मेरे ऊपर कृपा प्रदान करे. प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास, ये संपूर्ण जगत का निवास, ये छोटा चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है. हमारा आशा है कि श्री 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 कृष्ण बलराम की, श्री श्री कृष्ण राधा कृष्ण चंद्र की, लक्ष्मी नरसिंह देव की, श्री श्री गौरनीताई की हमारे ऊपर कृपा प्रदान करेंगे. क्या टाइम हो गया? टाइम हो गया नहीं, 8:30 बज गया. और यही कितने बजे से कितने बजे चलते हैं? 15 मिनट और चलेगा. प्रश्न अगर हो 15 मिनट दे सकते हैं. 9 बजे तक चलेगा क्या? 8 से 9 कि 7:30 से 8:30? हाँ, कल छुट्टी है. तो इस श्लोक पर बहुत बोला. हाँ, प्रश्न है. हाँ बोलिए. अच्छा, हिंदी बोलने का आदत नहीं है. ओके. ओ, आई वाज सपोज्ड टू डू दैट एक्चुअली, राइट? गीता लिया और प्रभुपाद का स्मरण करने का कार्यक्रम करना था. कहाँ किया हम? दूसरे जगह किया. ओ, हमारे मंदिर में भी थोड़े दिन पहले किया. प्रभुपाद जी महाराज तो गीता और भागवत का प्रचारक थे. काफी उनके प्रवचन उपलब्ध है ना, अंग्रेजी और हिंदी भी, हिंदी बहुत कम है, हिंदी बहुत कम है, लेकिन अंग्रेजी में बहुत है. प्रभुपाद महाराज का गीता प्रवचन और भागवत और चैतन्य चरितामृत. एक बार वृंदावन में मेरा आने के पहले भक्ति रसामृत सिंधु का प्रवचन माला था, 72, कितना साल पहले? 47 वर्ष पहले, 42 साल पहले प्रभुपाद जी चले गए, 42 साल पहले. और ये संस्था उन्हीं के प्रयत्न से स्थापित हुआ और उन्हीं के प्रयत्न से
दुनिया भर फैल गया और उन्हीं के जीवन के पश्चात और फैलते जा रहे हैं, उसका समाप्ति नहीं हुआ। भागवत में एक अच्छा श्लोक है, याद नहीं आ रहे हैं पूरा, लेकिन उन वो श्लोक है दशमस्कंद, भागवत के दशमस्कंद वेद स्तुति में एक श्लोक है कि कुर्म अवतार, जब समुद्र मंथन हुआ तो कुर्म अवतार के पीठ में ही खुजली थे और उस खुजली को शांत करने के लिए मंदराचल बड़ी पर्वत रेखा था और देव और असुर ने समुद्र मंथन करने लगे और भगवान की पीठ का जो खुजली थे थोड़ा शांत हो गया और समुद्र में उस मंथन के द्वारा लहर निकला और आज तक वो लहर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्लोक है, 5,000 साल पहले भागवत हम समझते हैं उसका रचना हुई और अभी भी हम वो लहर देख रहे हैं। उसी तरह ये संस्था फैलते जा रहे हैं। भारत में बहुत सारे अलग अलग विचारधारा चलते हैं, बहुत अलग अलग विचारधारा। वैष्णव सिद्धांत एक विचारधारा, वैष्णव के अंदर अलग अलग विभाजन हो गया। प्रभुपाद जी महाराज के गुरु जी का संस्था इसका नहीं थे, गौड़ीय मत, आपने सुना होगा, मालूम नहीं कितने लोग प्रभुपाद जी महाराज का जीवन चरित्र का पुस्तक पढ़ चुके हैं, हाथ दिखाइए। तो काफी लोग नहीं किया यहाँ, तो प्रभुपाद जी महाराज उनके गुरु जी को 1922, अभी 100 साल 3 साल के बाद पूरा हो जाएगा, उनका मिलन हुआ और 11 साल के बाद हरिनाम और ब्राह्मण दीक्षा गुरु जी के पास, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास से लिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का संस्था का नाम था गौड़ीय मत। गौड़ीय मत इस नगर में आया नहीं और आज तक छोटा सा कोई विदेशी भक्त लोग जो इस्कॉन से अलग हो गया, मालूम नहीं अभी चलते हैं कि नहीं, लेकिन चलता तो था, चलते हैं अभी, अभी है वो लोग। बहुत बड़ा नगर है ना, 1.5 करोड़ का जनसंख्या, कोई कोने में वो लोग बैठे हुए हैं। और भारत में खास करके बंगाल और उड़ीसा में गौड़ीय मत उपलब्ध है, उसी प्रांतों में इस्कॉन का प्रचार बहुत ज्यादा हो गया गौड़ीय मत के अपेक्षा से। लेकिन प्रभुपाद जी उनके भागवत तात्पर्य में लिखा है कि मेरा गुरु भाई जन और हम साथ में प्रचार नहीं कर रहे हैं, तभी भी वो लोग हजारों शिष्य बना रहे हैं, हम भी हजारों शिष्य बना रहे हैं। प्रचार प्रवृत्ति ही हमारे लक्ष्य है। लेकिन और भी कई विचारधारा है ना, ये खाली वैष्णव का एक शाखा गौड़ीय संप्रदाय। अच्छा, गौड़ीय संप्रदाय में गौड़ीय मत और इस्कॉन एक, मैं क्या बोल सकता हूँ, एक दृष्टिकोण है, एक विचारधारा। दूसरे गौड़ीय वैष्णव है भक्ति सिद्धांत सरस्वती और उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर। गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने स्वीकार, अच्छा, श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्र देवी सुदर्शन चक्र की, श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र की, लक्ष्मी नरसिम्ह देव की, गौर निताय की, हरे कृष्ण। भगवान सो गया,
Harati hai? Harati honge? Nahi. No bhaje harati nahi hote. So, Bhakti Vinod Thakur ke pahile Vishwanath Chakravarti Thakur kahin ab unke pahile to Jagannath Das Babaji lekin unke pahile Vishwanath Baladev phir Vishwanath Baladev to 300 saal pahile to beech mein ye apasampradaya Gaudiya lekin kuch pradushan tha shud bhakti ka prachar नहीं चलता था अच्छा हमारे यहां बाजू में रामानुज संप्रदाय है मध्व संप्रदाय तो कर्नाटक के है और हम मध्व संप्रदाय का एक शाखा है फिर वल्लभ संप्रदाय है निंबार्क संप्रदाय है उत्तर में रामानुज संप्रदाय भी उत्तर में फैल गया मध्व संप्रदाय उत्तर में नहीं गौड़ीय संप्रदाय के रूप में और ये काली वैष्णव संप्रदाय है फिर अद्वैतवादी है हमारे ग्रंथ और उन्हीं के ग्रंथ सब एक समान है अंतर क्या है बताइए मालूम है हां द्वैत और अद्वैत सही बात है द्वैत और अद्वैत का एक ही ग्रंथ पर मतभेद हो जाते हैं Bhagavad mein matbhed nahi hai. Advaitvadi Bhagavad swikar karte hai. Gita swikar karte hai. Kis granth par matbhed hai? Bataiye. Upanishad. Nahi. Vedanta Sutra. Vedanta Sutra Upanishadon ka Sutra Rupi Prastuti. Sutra Rupi Prastuti. हम कहते हैं श्रीमद् भागवत स्वाभाविक व्याख्या है वेदांत सूत्र का लेकिन वेदांत सूत्र का संकलन करता व्यासदेव वेदव्यास कैसे दो मत निकला उनके यही प्रस्तुति से बहुत बड़ा भेद है विचार में एक है विचार है निराकार वाली और एक साकार वाली हम लोग लेकिन बाकी सारे ग्रंथ वैदिक संस्कृति के सारे ग्रंथ समान है चार वेद वेदांग छह वेदांग अठारह महापुराण अठारह उपपुराण महाभारत रामायण धर्मशास्त्र दर्शन शास्त्र सब खाली वेदांत सूत्र दर्शन शास्त्र एक है उसका व्याख्या में अंतर है उसका व्याख्या में मतभेद है उपासना में मतभेद है लेकिन वो अलग अलग प्रकार के उपासना पुराणों में प्रस्तुत है ये सभी पुराणों में प्रभुपाद महाराज का याद दूर हो गया लेकिन प्रभुपाद ये सब सिखा रहे थे हमको हमको ये जानना चाहिए राधा कृष्ण मंदिर का स्थापना किया राधा कृष्ण उपासना भी कोई कह सकते हैं 500 साल पहले ही चालू हुई उसके पहले नारायण भगवान कृष्ण भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्राचीन है द्वारकाधीश प्राचीन है रंगनाथ प्राचीन है तिरुपति बालाजी प्राचीन है बद्री नारायण प्राचीन है श्रीनाथ जी 500 साल पहले गोपाल स्वरूप चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का उपासना के लिए उपदेश दिया ये सत्य है उसके पहले राधा कृष्ण का उपासना
का इतिहास इतना नहीं है. दूसरे संप्रदाय भी राधा कृष्ण का उपासना, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय और निम्बार्क संप्रदाय. रामानुज संप्रदाय में राधा कृष्ण का मूर्ति बहुत दुर्लभ है. सीताराम होते हैं, लक्ष्मी नारायण होते हैं, राधा कृष्ण होगा कहीं कहीं ना कहीं, ज्यादा नहीं है. तो उपासना में भेद है, लेकिन जो नारायण का उपासना करते हैं, राधा कृष्ण का उपासना स्वीकार करते हैं, क्योंकि कृष्ण और नारायण के बीच में कोई अंतर नहीं है. लीला में भेद है, लेकिन पहचान देवेश जगन्निवास परमेश्वर परमात्मा, गीता का वक्ता, सभी संप्रदाय स्वीकार करते हैं. महाभारत सभी संप्रदाय स्वीकार करते हैं. प्रभुपाद कहते थे कि मैं संदेश वाहक हूं, आई एम अ मैसेंजर. मैंने कोई नया वस्तु का निर्माण नहीं किया, नया धर्म स्थापना नहीं किया. प्राचीन परंपरागत वैदिक ग्रंथ, वैदिक मंत्र, वैदिक संस्कृति का उपदेश उन्होंने दिया. प्रभुपाद जी कहते थे मैं एक भारतीय हूं और मैंने इतना काम किया, अभी आप सब भारतीय फैलाइए, ये धर्म का प्रचार, धार्मिक जीवन, सात्विक जीवन और हमारे संप्रदाय के आचार्यों का विचार. बहुत ग्रंथ है, बहुत ग्रंथ है. गीता तो है ही, लेकिन शब्द गोस्वामियों ने कितने ग्रंथ लिखा, उसके पश्चात कृष्णदास कविराज, बलदेव और विश्वनाथ, रूप सनातन, गोपाल भट्ट, जीव, कितना व्याख्या किया सद संदर्भ, कितना भागवत और कितना तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, क्या क्या सबका नाम का याद नहीं किया, दोष है उसका, पाठ भी करना बाकी है. कितना ग्रंथ है, कितना वस्तु पर हम विचार करना चाहिए. समुद्र, समुद्र जैसे है, हाँ समुद्र जैसे. कब कब हम सब, बुद्धि भी कम है ना हमारा, हम पढ़ते नहीं जैसे हमको पढ़ना चाहिए, कंठस्थ ही करना. गीता को कंठस्थ नहीं किया, ये सब ग्रंथों का क्या कहना. अभी एक भगत मिला, गुरु भाई बृहद भागवतामृत का पाठ कर रहे हैं, कितना आनंद उनका अनुभव कर रहे हैं, और वो एक ही ग्रंथ ग्रंथों के समुद्र के बीच में से है. वैष्णव धर्म का प्रत्यक्ष दर्शन उसमें से मिलते हैं. कहाँ वैष्णव दर्शन, कृष्ण का उपासना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम नवधा भक्ति. तो प्रभुपाद जी महाराज का सारे प्रवचन जो उपलब्ध है, अब सब सुन सकते, अब सुनता होगा. और अगर और गहरा जाना चाहिए तो ये सारे ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है. प्रेरणा दिया प्रभुपाद ये सब ग्रंथों का निर्माण और व्याख्या और प्रकाशन वितरण करने में, दुनिया भर प्रेरणा फैलाना था.
कि कैसे भगवान का भक्ति करें और कैसे मोक्ष प्राप्त करें, ये महिमापूर्ण कार्य है मानव जीवन में। दूसरे सब प्रवृत्ति ठीक है, खाना पड़ते हैं तो कुछ कमाना है लेकिन अंत में मरने के समय अगर केवल हम काया जिंदगी भर और आत्मा तत्व के बारे में विचार विमर्श नहीं किया तो फिर हम पशु की तरह जिया। ये प्रभुपाद का उपदेश थे। उन्होंने भ्रमण किया, शिष्य बनाया, पुस्तक प्रकाशित किया और उनके प्रकाशनों का अनुवाद कितने भाषा में चले गया, कितने जगह में लोग भक्त बन गया। कीर्तन अभी रूस में और उसके बाजू के देश यूक्रेन देश में हर साल भक्ति संगम का सम्मेलन होते हैं, सब भक्त इकट्ठा होते हैं, 10-10 हज़ार, 12-15 हज़ार सब गौरव भक्त। भारत में तो हम जाते हैं वृंदावन, वो सब आ नहीं सकते, सब मोटी संख्या में आना बड़ा खर्चा होते हैं, तभी भी काफ़ी आ रहे हैं, निकट भी है एक दृष्टि से, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। उन देशों में प्रभुपाद जी महाराज के काल में मार्क्सवाद चलता था, विचार मुक्ति नहीं था, फीदा किया हमारे भक्त छुप के प्रचार चलते थे और लोगों को ग्रहण करके जेल में डालते थे और कोई एक दो पिटाई करके यमलोक भी भेज दिया। बड़ा अत्याचार हुई उसी काल में हमारे भक्त लोगों पर। तो बहुत लंबा इतिहास है, प्रचार प्रवृत्ति में कभी कष्ट सहन करना पड़ते हैं। जिनका जन्म हुआ उसको कष्ट सहन ही करना है वैसे भी, लेकिन अधिक कष्ट सहन करना भगवान का भक्ति फैलाने के लिए ये अद्भुत है। और ये सब प्रेरणा स्रोत प्रभुपाद जी महाराज वर्तमान का, उन्होंने ऐसे प्रेरणा दिया जिस प्रकार से ये सब चलते हैं प्रवृत्ति। तो यही जरूरी है कल्याण कार्य। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, ये भी गीता का श्लोक है। कोई अगर कल्याण कार्य में लग जाते हैं, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम, उनके दुर्गति नहीं होगा। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म में, धर्म ही है भगवान के भक्ति, इस धर्म में अगर जरा सब प्रगति हो, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, बड़ी भयंकर भय से रक्षण करने वाले वस्तु है। हरे कृष्ण। ओ, ये प्रश्न का जवाब थे। और कोई प्रश्न? एक और प्रश्न है। Along with their subtle bodies, they move to another next world.
So how is the sudden change happening from Kali Yuga to Satya Yuga? I mean, like, how are they able to take up that this thing? Because the, one of my devotee friends, one of us, can you please help? Prashna yahi hai ki Satya Yuga or Kali Yuga or Satya Yuga ka Sandhi Kal bada samajhne mein mushkil hai. क्योंकि कैसे परिवर्तन होते हैं, कलयुग समाप्त हो जाते हैं और सत्ययुग आरंभ हो जाते हैं, ये प्रश्न है. भागवत में शायद द्वादश स्कंद में उसका वर्णन होते हैं, भागवत के अंत में. और वहाँ लिखा है कि कल्कि अवतार आकर जो मानव समाज, बचे हुए मानव समाज जो पशु ठूलिय हो जाते हैं, that description is in the, for your benefit because you asked in English, the description is in the 12th canto of Bhagavatam, that Kalki avatar comes and he kills all the degraded human society, and certain chiranjeevis who are not affected by Kali Yuga, they start the Satya Yuga. That's what it says, basically. Right? It's an easy explanation, but you have to read it because there are a number of shlokas. Basically, there are certain persons who live a very long life and they remain outside of human society. So they don't get, the human society becomes very degraded. The lifespan is reduced. Human beings are eating, they become cannibals. So it's the lowest type of degradation. But this is 4,32,000 years, the total Kali Yuga, and only 5,000 are gone. So that's after a long time. And then Kalki kills them all. God can do that if he wants. Sarva Shaktiman Parameshwar. He has all the power. This is in the Puranas. Kalki avatar, you heard the Kalki avatar. But we won't be in these bodies at that time. This body will go away. All of our bodies. Bahuni me vyatitani janmani tavacharjuna. In Gita, right, Krishna says, both of us had many janmas. Tani aham veda sarvani. I remember all of my janmas. Natvam veta parantapa. Arjun, you don't remember them. So there may be many more janmas. Or there may be no more. Because Krishna talks about moksha. You can get mukti. Can get. But the chances are less. Because manushya nam sahasreshu kaschid yatiti siddhaye. Yatatam api siddhanam kashchin mam veti tatvataha. Very few know who is Krishna and who are qualified to get liberation. So if they did punya, they'll get a good birth. Suchinam srimantam gehe yoga brashta vijayate. Like that. And if they didn't do punya, Adho gacchanti tamasaha, they go down like that. Hare Krishna. It's late, right? Nine. It's almost 9 and I'm supposed to go somewhere now, last program, and run away tomorrow morning to another place. Thank you. Bahut bahut dhanyavaad. Aap log aate rahiye. अच्छा संख्या है, अच्छा संख्या है.
Hare Krishna. Shri Krishna Bhagavan ki jai.